अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने मशीन यूज़ कर रहा था तो एक प्रॉब्लम उसके अंदर आया, तो सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि इसका क्या मसला हो गया। देखिए, ये प्रॉब्लम E4 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पानी की सप्लाई जो है वो सही नहीं है। तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। एक उसमें से ये है कि आपका पानी टैंक में से जिस जहाँ से आपने सप्लाई दी है वो पानी वहाँ से पानी सही नहीं आ रहा, मतलब या टैंकी खाली हो चुकी है या इसका कहीं पानी की ब्लॉकेज आ चुकी है कोई इसके अंदर। तो मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ कि इस मसले को आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप अपनी मशीन को ऑफ करें। मशीन को ऑफ करने के बाद थोड़ा सा मशीन करने के बाद और पानी की जो नल है उसको आप ऑफ करें। इनलेट वाला पाइप है जिसके अंदर से पानी मशीन के अंदर जाता है, आप उसको खोलें। इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा, ये आप देखिए एक छोटा सा फिल्टर यहाँ लगाया हुआ है। तो ज़्यादातर जो है इसी फिल्टर के अंदर इसको हम पकड़ के खींच लेते हैं, ऐसे आसानी से बाहर आ जाता है। तो इसको हम साफ कर लेंगे। इस फिल्टर को हम पानी से धोकर साफ कर लेंगे। और इसको धोने का तरीका ये है कि जहाँ से यानी बाहर से पानी आता है तो आप इसको इधर से उल्टा पानी इसके अंदर डालें तो इसकी जो गंदगी होगी वो इंशाल्लाह। तो आप देखिए ये फिल्टर बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसको हम लोग लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिल्टर इधर, इस एक फिल्टर के बाद और भी फिल्टर आ गए वैसे से। इसको बारह लाम लगाते हैं और अपना पाइप को दोबारा से ये लग गया हमारा पाइप। मशीन को दोबारा उसी जगह पर रख दिया, पानी की सप्लाई को खोल के ऑन करते हैं। और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मशीन अपनी दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ गई।